जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली यह है एसएससी जीडी 2021 के जो फॉर्म भरने वाले हैं उन बच्चों के लिए चेतावनी। तो उन बच्चों के लिए चेतावनी ये है कि 2018 के बैच में जिन्होंने आपके बड़े भाइयों ने जो गलती की वो गलती मत करना, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताओगे। आप अगर उनसे पूछना नहीं चाहते तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे कल पिछले दो दिन के मेरे वीडियो देख सकते हो, मतलब कईयों की जॉइनिंग आने के बाद में भी कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। जॉइनिंग से पहले तो मैंने पहले ही बोला था 8-10 हज़ार तक रिजेक्ट हो गए हैं फॉर्म, जिनके नंबर अच्छे थे वो उनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाता उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये आपके लिए चेतावनी वीडियो है। चेतावनी इसलिए है क्योंकि आप आने वाले समय में, मतलब कुछ ही टाइम बाद में आप फॉर्म भरने वाले हो एसएससी जीडी का, और आपके अगर डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार से अगर सही नहीं हुए तो आपको बहुत मतलब हर्जाना भरना पड़ेगा। इस बार एसएससी जीडी में जब 2017 की एसएससी जीडी हुई थी या उससे पहले हुई थी उसमें, और अभी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी हो रही है उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, और उसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट मतलब फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। अब ज्वाइनिंग आने के बाद में भी कैंसिल ऑर्डर आ रहे हैं, कैंसिल ऑर्डर के साथ में आपके परमानेंट एड्रेस वेरीफाई हो रहे हैं, सरनेम में मिस्टेक उनकी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सभी को मैं बता दूं, कुछ डॉक्यूमेंट जिनके आधार पर आप फॉर्म भरोगे वो आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए आज की तारीख में, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी दोस्तों। तो अगर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसमें जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आपको आने वाले समय में एसएससी जीडी और इससे संबंधित आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करें तो मैं उधर आपको मैथ, इनके पुराने पेपरों के मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके के टोटल पीडीएफ फाइल और उनके हल साथ में दे सकूँ, तो आपकी इसमें अच्छी प्रैक्टिस होगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको नई अपडेट भी उधर मिल सके, नई नोटिफिकेशन, नई वैकेंसियों की भी उधर आपको मिल सके, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चेतावनी वीडियो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज बहुत बच्चे रो रहे हैं अपनी किस्मत पर। वो बोल रहे हैं हमारी किस्मत नहीं, उन्होंने खुद ने गलती की है। 90% बच्चों ने खुद ने गलती की, अपने नाम में मिस्टेक फॉर्म भरते समय, फादर नेम में मिस्टेक, सर नेम में मिस्टेक, उस समय बोला साइबर कैफे वाले को बोल दिया आप भर देना अपने हिसाब से। अरे भाई आपकी ज़िंदगी लाइफ टाइम का है, आप तैयारी करो एग्जाम की, साइबर कैफे वाले के भरोसे बोल रहे हो आप भर देना। मूल निवास में मिस्टेक, जाति प्रमाण पत्र में मिस्टेक, मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के समय उसमें मिस्टेक क्यों हुई, क्योंकि साइबर कैफे वाले के भरोसे भर दिए भाई आप भर देना। मूल निवास उसने बना दिया, जो नाम उसको लगा उचित भर दिया, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो पहले बना रहा हूँ ताकि आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कौन कौन सी गलतियाँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आप इस बार एसएससी जीडी की अगर आप वैकेंसी देख रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये आपके पास में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, सबसे पहले मैं बता दूँ एसएससी जीडी की आप वैकेंसी देखने के लिए आपकी 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, और आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी आपका मूल निवास आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, आपका पैन कार्ड आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, आपके फादर का जो नाम आपके मूल निवास में वो आपके आधार कार्ड की मार्कशीट जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है उसके अनुसार होना चाहिए, आपके मदर का नाम है वो आपके मूल निवास में वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल डॉक्यूमेंट्स आपके 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होने चाहिए। दूसरा, जब फॉर्म भरने जाओ तो अपना डिस्ट्रिक्ट पहले पता कर लीजिए कि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट में आते हो, आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आते हो या नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आते हो। इसको नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट में आते हो और आपने नक्सल डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और वो कब किया जाएगा, जब आपकी फाइनल मेट आएगी तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन सी गलती कर दी है। इसीलिए मैं आपको चेतावनी पहले ही बता रहा हूँ कि आप पहले पता करें साइबर कैफे जाने से पहले कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर नहीं मिलता है गूगल पर सर्च करिए, ठीक है, वहाँ पर आपको बताएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट जनरल डिस्ट्रिक्ट है या नक्सल डिस्ट्रिक्ट है या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हो उसी कैटेगरी के हिसाब से आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भरना, नहीं तो होता क्या कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप बॉर्डर से भर दिया आप जनरल में आते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉर्डर वालों की अलग से सीटें आरक्षित होती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट। और आप अगर नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आते हो और आपने जनरल से भर दिया या बॉर्डर से भर दिया तो भी आपका रिजेक्ट। अब आपकी जो कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो दोस्तों, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका आपको सेंटर गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट आपका लगता है प्रमाण पत्र, उसमें आपके जितने भी नाम है डॉक्यूमेंट्स में आपके 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होने चाहिए, नहीं तो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस बार वैकेंसी में 10,000 से ऊपर बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए। ज्वाइनिंग के बाद में कैंसिल ऑर्डर आ रहा है, उसका रीज़न सुन लीजिए। आपके जो बायोमेट्रिक, जब आप फिंगरप्रिंट लगाते हो, आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हो आपके बायोमेट्रिक टेस्ट होता है या आप अभी फॉर्म भरोगे जब आपके जो सिग्नेचर होंगे वो सिग्नेचर आपको पता होने चाहिए कि आपने कौन से सिग्नेचर किए। 90% बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्होंने जब फॉर्म भरा था सिग्नेचर कौन से किए थे, और अगर वो सिग्नेचर आपने अभी ऐसे कर दिए, पेपर देते समय अलग कर दिए और फिजिकल टेस्ट के समय अलग कर दिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
कब किस कंडीशन में आगा आपका गलती से बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ, फिर आपके क्या कराएंगे, सिग्नेचर मैच कराएंगे। और सिग्नेचर आपको पता ही नहीं रहता, एक जगह इंग्लिश में सिग्नेचर कर दिया, एक जगह हिंदी में सिग्नेचर कर दिया, एक जगह फिर इंग्लिश में कर दिया, तो इस कंडीशन में आपको बार कर दिया जाएगा। तो इसलिए जब आप फॉर्म भरते हो तब आपका सिग्नेचर आपको पता होना चाहिए, आपने कौन सा सिग्नेचर किया। फॉर्म के साथ साथ में अपनी एक नोटबुक में भी वो सिग्नेचर कर लेना, वही सिग्नेचर पूरी वैकेंसी में आप चाहे फिजिकल टेस्ट करने जाओ, चाहे मेडिकल टेस्ट देने जाओ, चाहे आप पेपर देने जाओ, तो वो सभी वो सिग्नेचर सेम सिग्नेचर होना चाहिए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसीलिए साइबर कैफे वाले के पास में जब फॉर्म भरते हो इस विशेष ध्यान रखना, अपने मूल निवास, अपनी 10th क्लास की मार्कशीट, अपने जाति प्रमाण पत्र, अपने सिग्नेचर, हस्ताक्षर, इन सभी का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो दोस्तों आप बहुत बड़ा नुकसान कर दो। आपके पूरे जीवन में SSGD की एक वैकेंसी देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि 4 साल बाद में SSGD की वैकेंसी आ रही है। अगर आप आज 20 साल के हो तो अगली वैकेंसी तक आप 24 साल के हो जाओगे, आप आउट ऑफ रेंज हो जाओगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको अगली बार मौका नहीं मिलेगा। एक ही मौका है, अच्छा मौका है। आपको पता है कि 84,000+ की वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 84,000+ के लगभग ये वैकेंसी को इसको मंजूरी दी जा रही है, मतलब बहुत ही बड़े वैकेंसी, बहुत बड़े लेवल पर वैकेंसी, इतने पदों की वैकेंसी बहुत ही कम आती है हमारे देश में। और अच्छी वैकेंसी, आप सभी को पता है कि इसकी जो प्रोसेस थोड़ी सी लेट होती है, लेकिन बहुत ही अच्छी वैकेंसी है यार। आपका इस बार हो सकता है कि नंबर आए, तो इसलिए ये गलतियाँ नहीं करनी है, ये चेतावनी आप सभी के लिए मैं पहले बता रहा हूँ। ऐसी गलतियाँ करोगे फिर बाद में आप मेरे पास में कनेक्ट करोगे कि सर हमने ये गलती कर दी, अब हमको समाधान बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे जैसे अभी कर रहे हैं, मेरे को जितने भी बच्चे SSGD में ज्वाइन करने वाले, उनमें से ज़्यादातर बच्चे को मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, बहुत सारे बच्चों के आते हैं आपके सभी के भाइयों के, और मैं कोशिश भी करता हूँ उनके हल करने की, लेकिन उनको मान लो नहीं पता था, लेकिन आपको मैं पहले बता रहा हूँ इसलिए उनको नहीं पता था, क्योंकि उनको इस बारे में अच्छे से जानकारी नहीं थी कि उनको क्या करना है। और फर्स्ट चॉइस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट चॉइस के बारे में साइबर कैफे वाले पे डिपेंड नहीं रहना। उसको नहीं पता है बंदे को कि उनका फर्स्ट चॉइस क्यों, कि वो एक दिन में 1000 फॉर्म भरता है, 100 फॉर्म भरता है, उसकी गलती नहीं है। आपको फर्स्ट चॉइस कौन सी लेनी है ये पहले मैं बता रहा हूँ। हर एक फोर्स के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप वीडियो जाके ज़रूर देखिए कि कौन सी फोर्स कैसी है। हर एक फोर्स के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, तो आपको जो आपके दिमाग में आ रही है, जैसे अगर असम राइफल आपको हिट करनी है, SSB हिट करनी है, CISF हिट करनी है, CRP हिट करनी, तो पहले उसके बारे में वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको इस फोर्स का काम क्या है, इसकी ड्यूटी कैसी, ये सब आपको नॉलेज होगा। ये नॉलेज होगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। कौन सी, मैंने ये भी बता रखा है कि कौन सी फोर्स में किस प्रकार की सुविधाएं, फैमिली देखने की सुविधा कौन सी फोर्स में सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा छुट्टियां कौन सी फोर्स में, सबसे कम छुट्टियां कौन सी फोर्स में, सैलरी कौन सी फोर्स की कितनी मिलती है, कौन सी फोर्स से कमांडो बन सकते हैं, कौन सी फोर्स से नहीं बन सकते, कौन कौन से कमांडो बन सकते हैं, ये सभी की सभी जानकारी वाले मैंने वीडियो दे रखे हैं, तो वो जाके ज़रूर देख लीजिए। आपकी फर्स्ट चॉइस भरने से पहले अगर मान लो आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे CRPF में जाना है, फिर बाद में आपको जो अभी CRPF भर दोगे, बाद में पता चलेगा अरे यार CRPF जॉब में तो मेरे को जाना ही नहीं, मेरे को तो मतलब BSF में जाना है, मेरे को तो CIPF मैंने गलत भर दिया है, मेरे को CISF में जाना है, CISF बहुत अच्छी है, SSB बहुत अच्छी है, NIA मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, मुझे NIA में जाना है, तो मेरे को पहले पता क्यों नहीं था, अब मैंने गलती की। तो एक बार आपने फॉर्म भर दिया जिस दिन, उस दिन के बाद में आपका फॉर्म चेंज नहीं होगा, फर्स्ट परफॉर्मेंस कभी चेंज नहीं होगी, एक बार भर दी वही रहेगी। उसका नियम भी मैं समझा चुका हूँ किस प्रकार से फर्स्ट चॉइस मिलती है, कितने नंबर पर फर्स्ट चॉइस मिलती है, उसके वीडियो भी है, आप जाके देख लीजिए। तो इसलिए ये आपके लिए चेतावनी है, इसलिए आप पहले से वीडियो देख लियो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। फर्स्ट चॉइस के बारे में वीडियो जरूर देख लेना, आपके जो भी आपके दिमाग में अभी फर्स्ट चॉइस चल रही है कि मुझे CRPF में जाना, BSF में जाना, तो एक बार उसका काम देख लीजिए, उसकी ड्यूटी देख लीजिए, उसकी सैलरी देख लीजिए, उसके कौन कौन से कमांडो बनते हैं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बोल रहे हैं मुझे कोबरा कमांडो बनना है, उनकी फर्स्ट चॉइस BSF, तो BSF वाला तो कोबरा कमांडो बनता नहीं, कहीं को NSG कमांडो बनना है, कहीं को SPG कमांडो बनना है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कौन सी फोर्स वाला NSG SPG कमांडो बनता है। तो इसीलिए वो वीडियो देख लीजिए जो भी आपके फर्स्ट चॉइस है उसके बारे में, और विशेष इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।